अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको यहाँ पर एक अहम खबर सागर करते चल रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान पर आयात की जाने वाली सफरी पाबंदी को खत्म करते हुए फहरिस्त से नाम निकाल दिया है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वजारत दाखिला ने भारत समेत 13 ममालिक पर आयात की जाने वाली सफरी पाबंदियाँ बरकरार रखने का फैसला किया, जबकि इस फहरिस्त से पाकिस्तान के नाम को निकाल दिया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाली फहरिस्त में शाम, लीबिया, लिबनान, तुर्की, आर्मेनिया, यमन, सोमालिया, वेनेजुएला, जमहूरिया कांगो, बेलारूस और अफगानिस्तान शामिल हैं। वजारत दाखिला ने शहरियों के नाम जारी पैगाम में कहा कि इन्हें मजकूरा ममालिक सफर करने के लिए पेशगी इजाजत लेना होगी। वजारत दाखिला की जानिब से उन शहरियों को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल कर ली हैं। वादे रहे कि एक रोज कबल सऊदी अरब ने आयात की जाने वाली सफरी पाबंदियां खत्म की, जिसके बाद मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट, बंदरगाहों और सरहदी चौकियों को सऊदी शहरियों के लिए खोल दिया गया है। सफरी पाबंदियां खत्म होने के बाद रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से पहली परवाज मुकामी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे के बाद रवाना हुई।